तो भाई फाइनली हम आ चुके हैं आज की वीडियो में। बात करने वाले हैं कि रूबिक्स क्यूब को हम 30 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट थी, हालांकि मैं वीडियोस बना चुका हूं, अगर आप उन्हीं वीडियोस को फॉलो करो, क्रॉस बॉटम में बनाना सीख लो, F12 से सॉल्व करना सीख लो, टू लुक OLL सीख लो, टू लुक PLL सीख लो, तो आप लोग क्यूब को थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद सब 30 यानी कि 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को क्यूब सॉल्व करना नहीं सिखाने वाला। अगर तुम लोगों ने क्यूब सॉल्व करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, सीख लो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यूब को 30 सेकंड में कैसे सॉल्व करना है। फिर आने वाली वीडियोस में हम 20 सेकंड की भी बात करेंगे, ऐसे हम आगे बात करते रहेंगे, बट आज 30 सेकंड की बात करेंगे। 30 सेकंड के अंदर यानी कि 25, 26, 27 सेकंड्स के अराउंड। लेकिन मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोगों से सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज, और वो है ये। मैं तुम लोगों के सामने एक सॉल्व करूंगा, मैंने तुम लोगों के सामने हैंड स्क्रैम्बल किया, एक रैंडम सा स्क्रैम्बल कर लिया, और अब मैं तुम लोगों के सामने एक सॉल्व करूंगा और पूछूंगा कि तुम लोगों को क्या लगता है इस सॉल्व के बारे में। अब ये सॉल्व एक दफा पहले देखना। मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या किया? और मैंने तो मतलब ऐसे इतना फास्ट क्यूब को भी नहीं घुमाया, मैं तो बिल्कुल एक स्मूथ, एक आराम से, बिल्कुल टेंशन फ्री होके क्यूब को घुमा रहा हूँ, स्मूथ टर्निंग कर रहा हूँ, और एक वक्त आता है मेरा क्यूब सॉल्व हो जाता है। अच्छा, तुम लोगों को अब तक देखकर एक चीज़ तो पता लग गया कि भाई एक सेकंड, ये इतना ब्राइट क्यों हो रहा है भाई? आप बेहतर है। एक चीज तो तुम लोगों को पता लग गई कि भाई जो फास्ट टर्निंग है ना, फास्ट यार अभी इग्नोर मारना, मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ, वो कोई मतलब नहीं रखती सब 30 होने के लिए। सब 30 यानी क्यूब को 30 सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने के लिए मैंने 22 सेकंड्स का आई थिंक सॉल्व किया, और सॉल्व तुम लोगों के सामने है। अच्छा, मैंने सॉल्व में क्या स्ट्रेटजीज यूज की? सबसे पहली चीज मैंने जो यूज की वो था बॉटम में क्रॉस बनाया, मैंने बॉटम क्रॉस, भाई बॉटम लेयर में क्रॉस बनाया, ठीक है, जो मैं सिखा चुका हूँ। मैं बताता हूँ रुक जाओ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा एडवांस क्रॉस की टेक्निक्स यूज़ की, वो भी तुम लोगों को बताता हूँ तुम लोगों ने कैसे सीखनी है। खैर, उसके बाद मैंने F12 का यूज़ किया, फर्स्ट टू लेयर्स मैंने एक साथ बनाई, मैं बिगिनर्स मेथड नहीं यूज़ किया। उसके बाद मैंने कुछ नहीं, टू लुक OLL यूज़ किया, और लास्ट में टू लुक PLL यूज़ किया। अब मुझे बताओ, जो लोग हमारी लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, जिसमें मैं रूबिक्स यार मेरे मुंह में लफ्ज़ क्यों अड़ रहे हैं, जिसमें मैं रूबिक्स क्यूब को तुम लोगों को 10-11 सेकंड्स में सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, तो अगर तो तुम लोगों ने उस सीरीज़ को ज्वाइन किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मैं अब तक बता चुका हूँ भाई सब। बॉटम में क्रॉस कैसे बनाना है, एडवांस क्रॉस कैसे बनाना है, F12 से क्यूब को कैसे सॉल्व करना है, टू लुक OLL क्या है, टू लुक OLL से कैसे लास्ट लेयर सॉल्व करनी है, और टू लुक PLL क्या है, टू लुक PLL से लास्ट लेयर को कैसे सॉल्व करनी है। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें तो तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, अगर इसमें से कुछ भी सीखना है। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसका नाम है लर्न स्पीड क्यूबिंग, वो प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारी वीडियोज़ हैं 7-8। अच्छा, अगर तुम लोग कहते हो कि हमें ये सब कुछ आता है फिर भी हम सब 30 नहीं है, तो भाई अब शुरू हो रहा है ना मेन चीज़। हर चीज़ के लिए एक स्ट्रैटेजी ज़रूरी है, और इसकी स्ट्रैटेजी मैं तुम लोगों को दूंगा। अब देखो, जो क्रॉस है CROSS, भाई जो भी हो जाए तुम लोगों ने 5 सेकंड्स में ख़त्म करना है भाई। भाई आगे सेकंड्स भी लिख देते हैं, 5 सेकंड्स में ख़त्म करना ही करना है। अच्छा, कैसे करना है मैं बताता हूँ कैसे करना है। अच्छा, जो F12 है वो तुम लोगों ने भाई 16-17 सेकंड्स ले लो, बट 16 आइडियल है, आइडियल। और जो लास्ट लेयर है, लास्ट लेयर, वो तुम लोगों ने 9 सेकंड्स में सॉल्व करनी ही करनी है। ये दोनों चीज़ें लास्ट लेयर में आ जाएंगी, तो इन दोनों में तुम लोग डिवाइड कर सकते हो अपने हिसाब से टाइम।
भाई अगर इन सबको तुम लोग प्लस करो तो 30 बनता है, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। अच्छा तो ये बन जाता है 30 सेकेंड्स। क्रॉस 5 सेकेंड में तुम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है भाई? मैं ट्यूटोरियल्स बना चुका हूँ बॉटम में क्रॉस को कैसे सॉल्व करना है, एडवांस क्रॉस के ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। ये दोनों अगर तुम लोग ट्यूटोरियल देख लेते हो, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लर्न स्पीड क्यूबिंग की सीरीज़ के नाम से, तुम लोग यार मास्टर हो जाओगे। F12, अब आते हैं F12 पे। क्रॉस के भी हम एक दो एग्जांपल सॉल्व देखते हैं, बट F12 टू लुक OLL टू लुक PLL की भी हम इधर बात कोई खास नहीं करेंगे, बट थोड़ी सी हम एंड पे फिंगर ट्रिक्स को छेड़ेंगे और थोड़ी सी मसल मेमोरी के साथ खेलेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है और आप लोगों ने कैसे अपनी लास्ट लेयर को 9 सेकेंड के अंदर लेकर आना। F12 पे हम अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं और आई थिंक सेकेंड F12 ये हम एक दो एग्जांपल्स इसकी देखते हैं और उसके बाद F12 पे बात करते हैं और उसके बाद लास्ट लेयर पे। आई थिंक बहुत थ्योरी हो गई और उसके बाद तुम लोगों को एक प्रैक्टिस टेक्निक भी बताऊंगा जिससे तुम लोग ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों में सब 30 हो सकते हो। अच्छा जी भाई, मैं तुम लोगों को अपने एडवांस क्रॉस वाले ट्यूटोरियल में बता चुका हूँ कि तुम लोगों ने कभी भी उसका एच पीस उसके सेंटर कलर से मैच नहीं करना। हाँ बहुत लकी केस आ जाए तो ठीक है, बट तुम लोगों को कलर स्कीम याद होनी चाहिए और मैंने बड़ी ही फनी वे में तुम लोगों को सिखाया गोबर स्कीम। तो यहाँ मैं क्या करने वाला हूँ अगर ऐसी सिचुएशन मेरे पास आती है, तो ये है ग्रीन, ये है ब्लू और मुझे पता है ये दोनों अपोजिट है और ग्रीन के बाद आता है ऑरेंज और ये तो पहले ही लगा हुआ। तो अगर मैं एक दफ़ा इन दोनों को ऐसे कर दूं और ऑरेंज मेरा यही है और जब मैं इनको इंसर्ट करूंगा वाइट के अंदर तो ये तो अपोजिट है और तुम लोगों को पता है ग्रीन के बाद आता है ग्रीन के बाद आता है ऑरेंज। तो ये तीनों का रिलेशन तुम लोग जानते हो, बिल्कुल ठीक है। तो एक मूव जब मैं करूंगा तो ये तीनों अपने सेंटर पीसेस से अलाइन हो जाएंगे और लास्ट वाला रेड मैं एक मूव से अलाइन कर सकता हूँ। सिर्फ एक और एग्जांपल सॉल्व देखेंगे इस पर और उसके बाद थोड़ा सा F12 को एडवांस में जाकर सीखेंगे। तो भाई बहुत मज़ेदार सिचुएशन है, रेड पहले से ही लगा हुआ है, ब्लू तो बस दो मूव्स की मारा वो लग जाएगा ना, ठीक है। और ब्लू को लगाते हुए हम ऑरेंज को भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ग्रीन इधर लगा हुआ है। अब बहुत बारीकी से सोचना, अगर मैं ग्रीन को एक दफ़ा इधर ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, अब इसको इग्नोर करो, ये लगा हुआ है और ये दो मूव्स की मारा है और इसको लगाते हुए मैं इसको भी लगा दूंगा। अब देखना कुछ इस तरह, ये इसको देखना, ये इधर किया और ये लगा दिया और वो मैंने एक मूव क्यों किया था, ताकि ये टॉप पे पूरा निकल आए जब ऑरेंज लग रहा हो, ठीक है। ऑरेंज लग गया और अब इसको मैं लास्ट को इंसर्ट कर दूंगा और हमारा क्रॉस सॉल्व। क्रॉस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला, क्रॉस को 5 सेकंड्स के अंदर आप लोगों ने सॉल्व करना है तो इसी टेक्निक से करना। मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल सॉल्व दिखा देता हूँ, तुम लोग अगर यकीन नहीं करते कि इससे हम क्रॉस को 5 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, मैं कोई फास्ट टर्निंग नहीं करूंगा, तुम लोगों के सामने होगा जो भी होगा भाई साहब। तो भाई साहब ये लो भाई 2.6 और इतनी स्लो टर्निंग और मेरा क्रॉस अलाइन है। अगर तुम लोग भी इस चीज़ को अचीव करना चाहते हो तो सबसे पहले बॉटम में क्रॉस बनाना सीखो और फिर एडवांस क्रॉस सीखो जो मैं बात कर चुका हूँ लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज में। अब हम बात करने वाले हैं बहुत डिटेल में F12 पे। सबसे पहली बात, अभी तुम लोग F12 कैसे सॉल्व करते होगे, मैं उसका तुम लोगों को थोड़ा सा कह लो एक थोड़ा सा ओवरव्यू देने वाला हूँ। सबसे पहले तुम लोग दोनों पीसेस को टॉप में लाते होगे, जैसे ये दोनों पीसेस टॉप में आ गए, उसके बाद केस रिकग्नाइज करके उसको पेयर बना के सॉल्व करते होगे। अब जैसे मैं ये पीस चूज कर लिया तो इसका ये पीस है, तो मैं दोनों को टॉप में लाया और अब केस रिकग्नाइज किया, उसके बाद उसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी किया और उसके बाद इधर इंसर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने अगला ये केस देखा, इसको सबसे पहले अलग अलग किया क्योंकि वो अटैच थे, उसके बाद केस को रिकग्नाइज किया, फिर उसको 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी किया और उसको इंसर्ट कर दिया। उसके बाद ये और ये भाई सबसे पहले टॉप पे लाया, केस को रिकग्नाइज किया और उसके बाद पेयर बनाया और उसके बाद जहाँ जाना उसे इंसर्ट कर दिया। ओए इतना टाइम किसके पास है, तुम लोग जानबूझ के मुश्किल चीज़ को और मुश्किल बना रहे हो। अच्छा तो भाई सबसे आसान टेक्निक के F12 को सॉल्व करने के, अभी क्रॉस सॉल्व है भाई, जौन सा पेयर जहाँ है जैसे है वहीं रहते हुए उसको पेयर बनाना है। अच्छा अब इसमें बहुत से केसेस है, बहुत ही ज़्यादा, तो आज के वीडियो में हम सिर्फ उतने सीखेंगे। मैं 8 केसेस निकाल के लाया हूँ, 8 ही समझ लो, 8 से भी कम होंगे, जो सब 30 में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। आज हम सिर्फ उन्हें सीखेंगे, हम एडवांस बात नहीं करेंगे। पहला केस, जैसे आप लोगों को अगर ऐसा पेयर बना मिल जाए तो आप लोग इसको सिंपली देखना मैं कैसे निकालता बाहर। राइट लेयर को ऊपर करके इसको पीछे कर दो, सेव हो जाएगा और इसको ठीक कर दो तो ये हमें पेयर मिल गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्योंकि तुम लोगों ने सब 30 होना, तो इस पॉइंट में तुम लोगों को बैक में
पीस को इंसर्ट करना आना चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने पेयर निकाल लिया तो हम रोटेशन करें, उसके बाद इसने यहाँ जाना है तो इसको इंसर्ट करें, नहीं, हम बैक में रहते हुए क्यों ना इंसर्ट कर दे, क्योंकि मुझे पता है इस पेयर ने इधर जाना, तो बैक में रहते हुए मैं आर प्राइम यू आर करूँगा तो वो इंसर्ट हो जाएगा, बिल्कुल इंट्यूटिव है। इसने इधर जाना है तो जिस लेयर में जाना है उसको बैक से ऊपर करके इंसर्ट करके अंदर कर देंगे। तुम लोगों को लेफ्ट पे इंसर्ट करना, राइट पे इंसर्ट करना, बैक पे इंसर्ट करना आना चाहिए, क्योंकि हमने रोटेशन कम करनी है। अब अगला केस कुछ इस किस्म का है कि जब तुम लोगों के पास इस किस्म का केस आए, अच्छा तुम लोग सबसे पहले इसको अलग अलग करते होगे, ठीक है, इन दोनों को, उसके बाद केस रिकग्नाइज करके तुम लोग इसको सॉल्व करते होगे, बट अब तुम लोगों ने ऐसा नहीं करना। जो ही ऐसा केस है इसको रिकग्नाइज तुम लोगों ने कैसा करना है भाई, क्योंकि दोनों ठीक है, मतलब इस कॉर्नर का एच पीस यही है, सबको पता है। रिकग्नाइज ऐसे करना है कि ये दोनों कलर्स मैच कर रहे होंगे, कॉर्नर का ये वाला और ये वाला, और ये दोनों कलर्स मैच कर रहे होंगे और टॉप पर वाइट होगा। ऐसे सिचुएशन में तुम लोगों ने कॉर्नर को ऐसे फ्रंट पे करना है कि एज उसके पीछे आ जाए, वाइट टॉप पर है, ये कॉर्नर को रिकग्नाइज करना सीख लो अपने लिहाज से। मैं तो ऐसे ही रिकग्नाइज करता हूं जैसे मैंने बताया। ऐसा केस जो ही देखा तो जिस लेयर में ये है, चाहे वो राइट लेयर में हो, लेफ्ट लेयर में हो, जिस भी लेयर में है, उस लेयर को ऊपर करो, कॉर्नर को दो दफ़ा घुमाओ, कॉर्नर को दो दफ़ा घुमाओ, एक दफ़ा घुमाया, दो दफ़ा घुमाया, ये आ गया ना। अब राइट लेयर को, लेफ्ट लेयर को वापस कर दो, तो वो देखो थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, देख सकते हो तुम लोग। हम इसको तीन मूव में बैक में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा कुछ लोग कहेंगे क्या हो रहा है भाई, चलो हम फ्रंट से दिखा देते हैं, ये देखो थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। मतलब हम उस रोले में पड़े ही नहीं कि पहले हम उनको अलग अलग करें, फिर हम रिकग्नाइज करें कि अच्छा ये F12 का ये वाला केस है, उसके बाद वो एल्गोरिथम लगाएं, उसके बाद उसको पेयर बनाएं, उसके बाद उसकी स्लॉट में इंसर्ट करें। नहीं, हमने बस कॉर्नर को ऊपर किया, दो मूव्स किया और वो हमारा पेयर बन गया। ये सेम केस है बट राइट से, ये देखो पिछले में हमने लेफ्ट पे देखा, मैंने एक केस तुम लोगों को लेफ्ट पे दिखा दिया, अब बाकी सारे राइट पे दिखाऊंगा, क्योंकि सेम होता है, बिल्कुल सेम। तुम लोगों को खुद ही पता पड़ जाएगा जो जो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे, जो मैं आगे जाके तुम लोगों को समझाने वाला हूँ कि प्रैक्टिस किस तरह करनी है। ये देखो ये है कॉर्नर, ये है एच पीस और वही है सेम, ये दो कलर्स मैच कर रहे हैं और यहाँ से ये दो कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट टॉप पर है। तो ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों ने कॉर्नर को ऊपर करके दो दफ़ा घुमा देना, एक दफ़ा घुमाया दो दफ़ा, और इस लेयर को वापस करना, तो ये देखो हमारा थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी हो गया। इसने इधर जाना तो इधर इसको इंसर्ट कर देंगे। अगला केस कुछ इस किस्म का, देखो चेकर बोर्ड टाइप का पैटर्न है, कुछ चेकर बोर्ड, देखो ये दो मैच कर रहे हैं और ये दो मैच कर रहे हैं, बहुत एक फनी सी सिचुएशन है। और ये है हमारा कॉर्नर, वाइट को तुम लोग ऐसी सिचुएशन में साइड पे कर दोगे, ठीक है, इस साइड पर, ऐसे फ्रंट पे ना, साइड पे कर दो। अब इस एज को तुम लोगों ने इधर लेकर आना है, जो ही ये सिचुएशन देखो समझ जाओ कि अच्छा इसने ऐसे सॉल्व होना है। इस कॉर्नर को एक दफ़ा हम करेंगे नीचे, बैक पे तुम लोगों ने खाली स्लॉट रखनी है, ये याद रखना। इस कॉर्नर करेंगे नीचे, इस एज को दो दफ़ा घुमाएंगे, एक दफ़ा घुमाया दो दफ़ा, इस कॉर्नर करेंगे वापस, अब ये थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। ईजी। एक केस कुछ इस किस्म का देखने को आ सकता है कि टॉप के दोनों कलर्स मैच है, ये है हमारा पेयर जो हमने ठीक बनाना है, टॉप के दोनों कलर्स मैच हैं और ये दो कलर्स मैच हैं, ये दो, और वाइट इस तरफ है, वाइट देख लो इस तरफ रखना है हमने, राइट की तरफ। तो क्या करना है, बस एक दफ़ा R U R' करना है भाई, मतलब इस कॉर्नर को इससे अलग करना है बस एक दफ़ा, यानी कि इस कॉर्नर को हम अगर ऊपर करते हैं तो इसको एक दफ़ा इससे अलग कर देना है, और जब उसे वापस करेंगे तो देखो ना थ्री मूव इंसर्ट के लिए हमारा पेयर रेडी है। ये हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी यार। ये केस पिछले केस से मिलता जुलता, बट पिछले केस में टॉप के दोनों कलर्स मैच थे, यहाँ पे दोनों कलर्स टॉप के मैच नहीं है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो यहाँ पे ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं और ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट इस तरफ है ना, तो इसको हम ऐसे फ्रंट पे रखेंगे, वाइट को राइट पे हो तो राइट पे रखेंगे, अभी लेफ्ट पर है ये पेयर तो लेफ्ट पे है, और इस कॉर्नर को एक दफा नीचे करके इस एच को यहां ले आएंगे, क्योंकि इस तुम लोगों को पता वाइट के पीछे तो हमें एच चाहिए नहीं, F12 ऐसा ही है, इसके पीछे एच चाहिए, तो हम एक दफा एच को इधर ले आएंगे, इसको हम नीचे करेंगे, एक दफ़ा एच को इधर लाएंगे और एक दफ़ा इसे ऊपर करेंगे, तो ये थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, और हम इसको ऐसे बैक में सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम लोग ऐसे दो रोटेशन, यहाँ से दो रोटेशन लोगे उसके बाद सॉल्व करोगे, बेहतर नहीं बैक पे इंसर्ट कर दो ऐसे, ये देखो क्या मुश्किल है। अगला केस कुछ इस किस्म का है जो कि बहुत ही मज़ेदार केस है, तुम लोग इसको रिकग्नाइज करो यार, ये दो कलर्स मैच हैं और ये दो कलर्स मैच हैं और वाइट टॉप पर है। ऐसी सिचुएशन में तुम लोगों ने क्या करना है, इस कॉर्नर को एक दफ़ा इस स्लॉट में इंसर्ट कर देना, इस कॉर्नर को इस स्लॉट में इंसर्ट कर देना, इसको इधर इंसर्ट कर दिया,
ये कॉर्नर इधर जा रहा है, ये कॉर्नर इधर चला गया। अब इस एच पीस को एक दफ़ा इधर ले आना है और अब इनका पेयर बनाना है। किस तरह? इस कॉर्नर को इससे अटैच करना है तुम लोगों ने आर यू प्राइम आर प्राइम से। और तुम लोग इस, क्योंकि इस पेयर ने इधर जाना है तो तुम लोग डायरेक्ट इधर इंसर्ट कर सकते हो। इधर जाना है इस पेयर ने, किस तरह? लेफ्ट लेयर को ऊपर करोगे और इस पेयर को यहाँ से डायरेक्ट तुम लोग यहाँ पे बेच के इंसर्ट कर सकते हो। दो रोटेशंस लेनी फिर इंसर्ट करना, उससे बेहतर नहीं कि यहाँ रहते हुए इस पेयर को यहाँ पे इंसर्ट कर दो। यार क्यों मुश्किलात में पड़े हुए हो भाई? ये केसेस किस्म का कि तुम लोगों को पहले ही आता है। देखो एक चेकरबोर्ड टाइप का पैटर्न है, एच ठीक लगा हुआ है और कॉर्नर उसका टॉप पर वाइट टॉप पर है। तीन दफ़ा सेक्सी मूव कर दो, आर यू आर प्रेम यू प्रेम आर यू आर प्रेम यू प्रेम आर यू आर प्रेम यू प्रेम, सॉल्व हो गया। और ये बहुत फास्ट है यार, बहुत ही फास्ट है भाई। ये है हमारा अगला केस के जब कॉर्नर पीस अंदर स्टक है और ये रहा उसका एच पीस और ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं, ये दोनों कलर्स मैच कर रहे हैं और वाइट इस तरफ से, वाइट इस तरफ है। तो एक दफ़ा जिस तरफ वाइट है उसी तरफ एच को कर दो, क्योंकि ये इसका एच यही है। और एक दफ़ा आर यू आर प्राइम करो, यानी कि कॉर्नर को एक दफ़ा बाहर निकालो, ये इसका एच है याद रखना। मैं कॉर्नर को एक दफ़ा, इस कॉर्नर को बाहर निकाल लूँ तो अब ये थ्री मूव इंसर्ट के लिए रेडी है। देखो आर यू आर प्राइम और ये मैं सॉल्व कर दिया। ये है अगला केस के, ये है उसका कॉर्नर और ये है उसका एच पीस, ऑरेंज ग्रीन ऑरेंज ग्रीन, वाइट आपकी तरफ है फ्रंट पर और ये कलर मैच है। तो भाई ये कलर की तरफ ही इस एच पीस को बढ़ाओ और इस कॉर्नर को इसके ऊपर इसके ऊपर लगाना तुम लोगों ने। किस तरह? ये देखना, जब मैं ये कॉर्नर को बाहर निकालता हूँ तो अब इस कॉर्नर को इसके ऊपर लगाना है, ठीक है। अब इसको वापस करेंगे तो हमारा पेयर बन जाएगा और इस पेयर को यहाँ पे तुम लोग इंसर्ट कर सकते हो। और बस इतने ही थे F12 केसेस सब 30 के लिए। ये 5-6-7 F12 केसेस थे। तुम लोग अगर एक दो दफ़ा वीडियो को देख लोगे तुम लोगों को देखते देखते ही रट जाएंगे। अब बात करते हैं बाकी के, इनको तुम लोगों ने याद कैसे करना है, क्या प्रैक्टिस कैजुअल है, किस तरह इसको 16 सेकंड्स में लाना है, किस तरह लास्ट लेयर को बेहतर करना है। लास्ट लेयर तुम लोगों की इस लेवल की होनी चाहिए कि जो ही तुम लोग केस को देखो एक लम्हे में रेकग्नाइज कर लो। मैंने 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 जो ही देखा कि अच्छा ये तो मैंने तू ही रेकग्नाइज करके टूलू को एलएल का एल्गोरिथम लगा दिया। मुझे 1-2-3-4 सेकंड्स सोचना ना पड़े कि अच्छा ये है, ये ऐसे, ये कॉर्नर इधर, तो ये एल्गोरिथम होगा। सोचे समझे बगैर तुम लोगों की उंगलियां ऑटोमेटिकली चल पड़े। ऐसा तब भी होगा जब तुम लोग बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे और सॉल्व तुम लोगों ने टाइम सॉल्व नहीं करने। ऐसा नहीं करना कि तुम लोगों ने इधर टाइमर रखा हुआ है और तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, नहीं भाई तुम लोग सब कुछ हार दोगे भाई। तुम लोग देखोगे कि यार मैं तो 1-2 मिनट में ही सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं तो भाई छोड़ रहा हूँ क्यूबिंग। नहीं, टाइमर को तोड़ के फेंक दो, अनटाइम सॉल्व करो। जितने ज़्यादा अनटाइम सॉल्व करोगे, जैसे मैंने देखा कि अच्छा कोई हेडलाइट नहीं है, जो ही मैंने देखी तो ही मेरे हाथ, टू लुक पीएलएल की बात कर रहा हूँ, मेरे हाथ ऑटोमेटिकली चल पड़े ऑटोमेटिकली। और उसके बाद मैं जो ही अगला देखा मेरे हाथ ऑटोमेटिकली चल पड़े, मुझे सोचने की ज़रूरत ना पड़े। ये ऐसे ही होगा जब, ये तब भी होगा जब तुम लोग बहुत बहुत ज़्यादा सॉल्व करोगे और सॉल्व बिना टाइमर के करना। ये ऐसी टिप है जो पता नहीं क्यों नहीं लोग देते, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ कि तुम लोग टाइमर को तोड़ के फेंक दो, टाइमर के बिना सॉल्व करो। तुम लोग एक वाजे, एक मतलब एक भाई क्लियर डिफरेंस देखोगे कि वाकई यार टाइमर हमने तोड़ के फेंक दिया है। और अगर तुम लोग कुछ दिन सॉल्व करते रहो और उसके बाद टाइम के साथ सॉल्व करो तो तुम लोग एक वाजे डिफरेंस देखोगे। मैं वो भी बताता हूँ कि कितने दिन तुम लोगों ने कितने सॉल्व करने और फिर टाइम, वो मैं बताता हूँ आगे। रुक जाओ अभी यार, कुछ और बातें करनी है। सब 30 के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, आप लोगों को बहुत फास्ट घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ये सच है और मैंने शुरू में भी तुम लोगों को दिखाया। लेकिन तुम लोगों को बहुत अच्छी फिंगर ट्रिक्स की जरूरत है, एक्यूरेट हो, स्लो हो चाहे, लेकिन फिंगर ट्रिक्स एक्यूरेट हो। बहुत फास्ट फिंगर ट्रिक्स की कोई जरूरत नहीं है, एक्यूरेट फिंगर ट्रिक्स की ज़रूरत है। पूरा प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद है, उसमें फिंगर ट्रिक्स की बात की हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फिंगर ट्रिक्स का मास्टर बनो यार, तो तुम लोगों के लिए सब 30 होना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर तुम लोग ऐसे क्यूब को घुमाते रहोगे तो भाई सब 30 होना पॉसिबल नहीं है। तुम लोगों को फिंगर ट्रिक्स ज़रूरी हैं। जिस तरह मैंने तुम लोगों को बताया कि लास्ट लेयर सोचे समझे बगैर तुम लोग
केस देखो और एल्गोरिथम लगा दो, उसी तरह जो मैंने F12 के 7-8 केसेस बताए हैं, जैसे उनमें से एक ये था, तो तुम लोग जो ही F12 का केस देखो तो ही तुम लोगों के हाथ ऑटोमेटिकली चल पड़े कि भाई ये केस तो ऐसे सॉल्व होता है। ये तभी होगा जब तुम लोग बहुत ज़्यादा अनटाइम सॉल्व करोगे। अच्छा, अनटाइम सॉल्व का फ़ायदा क्या होता है भाई? जब टाइमर लगा होता है ना, टाइमर, तो तुम लोग जानबूझ के बैड हैबिट्स तुम लोगों की एक तो डेवलप हो जाती हैं, ऊपर से तुम लोग जानबूझ के बुरी आदतें पड़ी होती हैं कि भाई टाइम बस बुरा ना आए, चाहे हम इस केस को जितना मर्जी इनएफिशिएंटली सॉल्व कर दें। तो जब टाइमर ही नहीं होगा तो तुम लोग इस केस को देखकर सोच सकोगे कि हाँ यार, हसनैन ने ये केस अपनी सब 30 वाली वीडियो में बताया था कि अगर ऐसा केस आए तो कॉर्नर को इंसर्ट करके एच पीस के साथ हम ऐसे जोड़ के पेयर बना सकते हैं, और ये भी बताया था हसनैन ने कि हाँ बैक में हम सॉल्व कर सकते हैं पेयर को, और हसनैन ने कहा था कि हमें फिंगर ट्रिक्स को एक्यूरेट रखना है, और हाँ मैंने पता नहीं क्या कुछ बता दिया, तो भाई वही सब कुछ। अब हम एक एग्जाम्पल सॉल्व देखेंगे, एक एग्जाम्पल सॉल्व और एंड पे प्रैक्टिस रूटीन बता के मैं चला जाऊंगा। भाई क्रॉस बहुत मज़ेदार है, तुम लोगों ने सब 30 के लिए हमेशा याद रखना है कि पूरी कोशिश करो कि जब तुम लोग क्यूब को इंस्पेक्ट कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, तुम लोग अभी कंपटीशन में नहीं जा रहे ना, ऐसे ही है, कंपटीशन में इंस्पेक्शन का टाइम होता है 15 seconds, ठीक है, आप लोगों ने 15 seconds के अंदर अंदर इंस्पेक्ट करना होता है, लेकिन घर में ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग 15 seconds के अंदर इंस्पेक्ट करो, तुम लोग 10 मिनट लगाओ, तुम लोग 10 मिनट लगाओ और देखो कि अच्छा ये एक पीस इधर है, अपने इनिशियल मूव्स को प्लान करो, टाइम लगाओ जितना लग सकता है, लेकिन ग्रेजुअली, अगर अभी तुम लोगों को 1 मिनट लग रहा है पूरा क्रॉस प्लान करने में, तो ग्रेजुअली ये तुम लोग 5 seconds में भी कर लोगे, आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, लेकिन शुरू में टाइम लगता है, इंस्पेक्शन टाइम का भरपूर फ़ायदा उठाओ, तुम लोग घर में हो, किसी कॉम्पिटिशन में नहीं, कोई तुम लोगों पर यार कुल्हाड़ा लेकर नहीं चढ़ावा, तो आराम से, जैसे मैं अब आराम से, ये है मेरा ब्लू, इसके अपोजिट आना है ग्रीन, मुझे पता ही है, ब्लू के बाद आना है रेड, ये है रेड और यह है ऑरेंज, मुझे पता है कि ब्लू के इस तरफ आना है ऑरेंज, तो क्यों ना मैं ऐसे करके जब ब्लू को इंसर्ट करूंगा तो ऑरेंज को भी सॉल्व कर दूं, ये हो गए दो, मेरा आखिरी ये और आखिरी ये बचा, तो जब मैं इसको 2 दफ़ा घुमाऊंगा इधर को, तो ग्रीन और रेड का बहुत अच्छा रिलेशन है इस तरह, तुम लोगों को पता है, और एंड पे मैं अपना क्रॉस अलाइन कर सकता हूं और मेरे सारे क्रॉस पीसेस बन गए। अब ये केस मैंने आज ही तुम लोगों को सिखाया, इस कॉर्नर को नीचे करके इस एज को उसके पीछे ले जाना, और ये हमारा 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी। ये केस तुम लोगों को आज ही मैंने सिखाया, सिर्फ कॉर्नर को इससे जुदा करना है और ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी। अच्छा जी, अब ये केस है तो हमें सबसे पहले इन दोनों को टॉप पे लाना पड़ेगा, और ये लकीली 3 मूव इंसर्ट ही है तो हम कर देंगे। अब एच कॉर्नर पहले से ही अंदर है, एच बाहर है, तो ये तो बिल्कुल बिगिनर्स की तरह हम सॉल्व करेंगे, और अब ये रहा हमारा 2 look OLL, हमारी फिंगर ट्रिक्स एक्यूरेट होनी चाहिए, हमें फास्ट टर्निंग की नहीं ज़रूरत भाई, ये देखो फास्ट टर्निंग करते हुए तो गलतियाँ हो जाती हैं, हमें फिंगर ट्रिक्स एक्यूरेट चाहिए। तो ये था एक F12 का एग्जाम्पल सॉल्व, और अब मैं प्रैक्टिस स्केड्यूल बता दूं और फिर मैं जा रहा हूं, मैं थक गया हूं यार, रात के 2:17 हो रहे हैं। भाई सबसे पहले तो ना अभी सर्च करो एग्जाम्पल सॉल्व, ठीक है, रूबिक्स क्यूब की, तो बहुत से एडवांस क्यूबर्स के एग्जाम्पल सॉल्व आ जाएंगे। अगर मेरे देखना चाह रहे हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लूँगा, दे दूंगा, मेरे जाके एग्जाम्पल सॉल्व देख लो, ताकि तुम लोगों को पता लग जाए कि क्यूबर्स किस तरह क्यूब को सॉल्व करते हैं, उससे आइडिया हो जाता है मुश्किल F12 केस वो किस तरह सॉल्व कर रहे हैं, जो तुम लोगों को नहीं पता तुम लोगों को उनके एग्जाम्पल सॉल्व से पता लग जाता है। अच्छा, अब सब ख़त्म करो यार, प्रैक्टिस स्केड्यूल क्या, 1 महीने का प्रैक्टिस स्केड्यूल दे रहा हूँ, मेरी मान लेना, 1 महीने तक 30 दिन, 30 दिनों में सब 30 कैसे होना है, रोज़ाना के 100 सॉल्व्स टाइमर के बगैर, टाइमर नहीं लगाना, 30 दिन तक रोज़ के 100 सॉल्व करो, इस तरह ये 3000 सॉल्व हो जाएंगे 1 मंथ में, उसके बाद टाइम सॉल्व करो और आके मुझे बताओ क्या बना। और यार हमारी वीडियो ये ख़त्म हो रही है भाई, बहुत दिमाग लगाना पड़ा ये वीडियो को बनाने के, सर दर्द हो रहा है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमारी लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज़ को ज्वाइन कर लो, और हम अभी आगे आने वाली वीडियोज़ में एडवांस F12 1 look OLL 1 look PLL पे बात करने वाले हैं, और बस तबाही मचाने वाले हैं, क्यूब को 10-11 seconds तक लेकर जाएंगे, वो भी कोई इतने एडवांस चीज़ों से नहीं, उसके बगैर ही ले जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना यार, माय सेकंड चैनल यार, उस मेरा नाम मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हुआ माय सेकंड चैनल, उसको सब्सक्राइब करो यार, गुड बाय।